जीतूराज 90.3 पर मनी टॉक विद जीतूराज करता है एंड अरुण ठकराल एमडी एंड सीईओ एक्सिस सिक्योरिटीज जो एक किताब लिख चुके हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे तो पूछना बनता ही है कि अरुण ठकराल साहब 2018 कैसे रहा? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रहा कि इन्वेस्टमेंट नॉन फ्रेंडली रहा? अरुण ठकराल हाय, कैसे आप? हाँ जीतूराज, क्या हाल है? दवा ले। हाँ, सो वॉज इट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, वॉज इट नॉट? अरुण ठकराल देखिए, मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली था, बम्पी राइड था, मतलब ऊपर नीचे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो इन्वेस्टर होता है उसी को मिलता है। अगर आपने अपना शॉपिंग लिस्ट तैयार रखा होता और जब मार्केट नीचे गया था, चाहे वो तेल का प्राइस बढ़ा हो या कुछ और हुआ हो, ग्लोबल बहुत सारा कुछ हुआ हो, तो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिला। जैसे कि 2017 में वो एक ही साइड ऊपर गया था तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत बम्पी राइड था। अरुण ठकराल साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि तेल की कीमतें गिर गई थी, पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी। अरुण ठकराल साहब, नहीं नहीं, मैं तो क्रूड ऑयल अभी जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, पिछले पहले जो बड़ी थी तो मार्केट नीचे गिरा था, हम तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना। चलो ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी था कि वो जो शेयर आप खरीदना चाहते थे वो आपको नीचे मिल रहा था, और अब तेल का भाव कम हो गया है ग्लोबली, तो वो प्राइस ऊपर आ गया है। ओके, तो अच्छा था शेयर मेरे हिसाब से, तो फिर अच्छा रहा ना। एक जुमले में, 2018 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं था? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली था। ओके, लेट्स गिव इट टू हिम, ही इज द स्पेशलिस्ट अरुण ठकराल, एमडी एंड सीईओ एक्सिस सिक्योरिटीज। 2019 के लिए भविष्यवाणियां क्या है, कैसे रहेगा साल? इट्स अ ईयर जो बहुत अहम है भारतीयों के परिपेक्ष्य से, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है। जब इलेक्शन है तो उसी वजह से क्या होता है कि बाजार में ऊपर नीचे कुछ होता रहता है। तो जैसे कि आपका जो मॉल में सेल लगता है तो हम सब भागते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी थोड़ा टाइम के लिए आता है तो बाजार एकदम नीचे आ जाता है। तो वही सही समय होता है कि आपको जाके आप सही सेक्टर और सही स्टॉक में जाके आप पैसा इन्वेस्ट करें। अब एक आम इन्वेस्टर के लिए सही सेक्टर सही स्टॉक ढूंढने के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, सीए को पैसे देने पड़ेंगे, बट लेट्स हेल्प, अगर एक दो सेक्टर्स जिसमें इन्वेस्ट करें तो शायद फायदा होगा एक कॉमन इन्वेस्टर को। देखिए ये बहुत आसान है, एक तो आता है कि आप सारी रिपोर्ट पढ़ें, और अगर एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो भी आपको बता देगा। तो जैसे आप बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। पर उससे भी आसान तरीका ये है कि जो चीजें आप यूज करते हैं अगर वही कंजम्पशन की चीजें ही आप देखें कि वो कौन सा कंपनी बनाती है, और आप उसी सेक्टर में चले जाएं, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है बिकॉज हमारा इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा है, हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जो भी चीजें आप यूज करते हैं कंजम्पशन की, चाहे वो ड्यूरेबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बिस्किट जो आपको खाते हो, चाहे वो टूथपेस्ट वो आप करते हो, तो वो बेस्ट तरीका होता है वो कंपनी में जाके आप शेयर खरीदें। पिछले कई सालों से जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग टू डू। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में 5-10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिया है। एक्चुअली गोल्ड ने पिछले 5 सालों में रिटर्न नहीं दिया है, बट जब कभी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा सोना हमेशा 5-10% आपके पास होना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन हम बोलते हैं, इसलिए इससे ज्यादा आप नहीं खरीदें। कूल, सो कुछ गोल्ड खरीदें, ज्यादा से ज्यादा एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड खरीदें, एंड अगर कुछ और पैसे हो तो रियल एस्टेट। चलो जी, एक्सपर्ट हो गया जीतूराज, अब धीरे धीरे आप जैसे लोगों से बात करके समझ रहा है। दैट्स अरुण ठकराल साहब, 2019 के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल शुभकामनाएं अरुण ठकराल साहब। धन्यवाद जीतूराज, बहुत बढ़िया हुआ आपसे बात। 98.3 सुनने वाले, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, माय मावली, मुंबई विद जीतूराज। ऑल ओपिनियंस मेड ऑन मनी टॉक विद जीतूराज आर बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ओनली, दीज आर नॉट एंडोर्स्ड बाय मिर्ची 98.3।